गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी कॉम इंडिया। आई एम भावना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से 8 से 10 दिन में अपने अंडर आई डार्क सर्कल जो है रिमूव कर सकते हैं होम रेमेडीज की हेल्प से। यानी आपको कोई भी महंगी क्रीम्स वगैरह नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक होम रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी वो यूज करना है। उससे 8 से 10 दिन में आपके अंडर आई डार्क सर्कल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट पर लाइक करके शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको लेना है पोटैटो, आलू। आलू को आपको क्या करना है, अच्छे से धो के उसके छिलके उतार के उसको ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकस कर लेना है। और कद्दूकस करने के बाद उसको आप अपने हाथों से स्क्वीज करके या एक साफ जो कॉटन का कपड़ा होता है या कोई हैंकी होता है उसमें आप रख के उसको अच्छे से निचोड़ के स्क्वीज करके उसका जो जूस है उसको आप 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। और ठंडा होने के बाद आप उसको कॉटन की हेल्प से अपनी आंखों के चारों तरफ जो है अप्लाई कर लें और उसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने दें। आपकी आंखें क्लोज करके एकदम रिलैक्स होकर आप बैठ जाएं। 15 से 20 मिनट के बाद उसको जो है ठंडे पानी से आप वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद उसके ऊपर क्या करें, आप कोई छोटी आइस क्यूब लेके उसको आप अच्छे से 2 से 3 मिनट उसमें मसाज करें। इस तरह से आपको ये प्रोसेस जो है 8 से 10 दिन जो है यूज करना है ये सारा। उसके बाद आपको खुद लगेगा कि आपके जो अंडर आई डार्क सर्कल है वो रिमूव हो चुके हैं। ये होम रेमेडी जो है बहुत ही बेस्ट है फॉर द अंडर आई डार्क सर्कल। इससे आपका जो आंखों का डार्क सर्कल है वो तो हटेगा ही, साथ में जो आपका वो कॉम्प्लेक्शन होगा अंडर आई का और अपर आई का वो जो है वो फेयर हो जाएगा। क्योंकि जो पोटैटो है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल ब्लीच प्रॉपर्टी, जिससे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो जाता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर अबाउट माई स्मूदिंग एंड केराटिन ट्रीटमेंट। मैंने सेकंड टाइम लिया है, इससे पहले मैंने जो है जनवरी 2020 में लिया था, वो मेरा 1.5 साल चल गया था। तो मैं सारी डिटेल जो है स्मूदिंग और केराटिन ट्रीटमेंट की आपसे जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है दिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें एंड क्लिक ऑन द ऑल, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो देन गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।